कुरिथियों के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री अध्याय 1 से 13। अध्याय 1। अभिवादन। एक पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित है, और भाई तीमुथियुस की ओर से परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिथुस में है, और सारे अखया के सब पवित्र लोगों के नाम, दो हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। परमेश्वर का धन्यवाद करना। 3 हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। 4 वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है, उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के क्लेश में हों। 5 क्योंकि जैसे मसीह के दुखों में हम अधिक सहभागी होते हैं, वैसे ही हम शांति में भी मसीह के द्वारा अधिक सहभागी होते हैं। 6 यदि हम क्लेश पाते हैं तो ये तुम्हारी शांति और उद्धार के लिए है, और यदि शांति पाते हैं तो ये तुम्हारी शांति के लिए है, जिसके प्रभाव से तुम धीरज के साथ उन क्लेशों को सह लेते हो जिन्हें हम भी सहते हैं। 7 हमारी आशा तुम्हारे विषय में दृढ़ है, क्योंकि हम जानते हैं कि तुम जैसे हमारे दुखों में वैसे ही शांति में भी सहभागी हो। 8 हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम हमारे उस क्लेश से अनजान रहो जो आसिया में हम पर पड़ा, हम ऐसे भारी बोझ से दब गए थे जो हमारी सामर्थ्य से बाहर था, यहाँ तक कि हम जीवन से भी हाथ धो बैठे थे। 9 वरन हमने अपने मन में समझ लिया था कि हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, ताकि हम अपना भरोसा न रखें वरन परमेश्वर का जो मरे हुओं को जिलाता है। 10 उसी ने हमें मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया और बचाएगा, और उस पर हमारी यह आशा है कि वह आगे को भी बचाता रहेगा। 11 तुम भी मिलकर प्रार्थना के द्वारा हमारी सहायता करोगे कि जो वरदान बहुतों के द्वारा हमें मिला, उसके कारण बहुत लोग हमारी ओर से धन्यवाद करें। पौलुस की यात्रा योजना में परिवर्तन। 12 क्योंकि हम अपने विवेक की इस गवाही पर घमंड करते हैं कि जगत में और विशेष करके तुम्हारे बीच हमारा चरित्र परमेश्वर के योग्य ऐसी पवित्रता और सच्चाई सहित था, जो शारीरिक ज्ञान से नहीं परंतु परमेश्वर के अनुग्रह के साथ था। 13 हम तुम्हें और कुछ नहीं लिखते, केवल वह जो तुम पढ़ते या मानते भी हो, और मुझे आशा है कि अंत तक भी मानते रहोगे। 14 जैसा तुम में से कितनों ने मान लिया है कि हम तुम्हारे घमंड का कारण हैं, वैसे ही तुम भी प्रभु यीशु के दिन हमारे लिए घमंड का कारण ठहरोगे। 15 इसी भरोसे से मैं चाहता था कि पहले तुम्हारे पास आऊं कि तुम्हें एक और दान मिले। 16 और तुम्हारे पास से होकर मकिदुनिया को जाऊं, और फिर मकिदुनिया से तुम्हारे पास आऊं, और तुम मुझे यहूदिया की ओर कुछ दूर तक पहुंचाओ। 17 इसलिए मैंने जो यह इच्छा की थी तो क्या मैंने चंचलता दिखाई, या जो करना चाहता हूं क्या शरीर के अनुसार करना चाहता हूं कि मैं बात में हाँ हाँ भी करूँ और नहीं नहीं भी करूँ। 18 परमेश्वर सच्चा गवाह है कि हमारे उस वचन में जो तुमसे कहा हाँ और नहीं दोनों नहीं पाए जाते। 19 क्योंकि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह, जिसका हमारे द्वारा अर्थात मेरे और सिल्वानुस और तीमुथियुस के द्वारा तुम्हारे बीच में प्रचार हुआ, उसमें हाँ और नहीं दोनों नहीं थे, परंतु उसमें हाँ ही हाँ हुई। 20 क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में हाँ के साथ हैं, इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। 21 और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है और जिसने हमारा अभिषेक किया वही परमेश्वर है। 22 जिसने हम पर छाप भी कर दी है और बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दिया। 23 मैं परमेश्वर को गवाह करके कहता हूँ कि मैं अब तक कुरिथुस में इसलिए नहीं आया कि मुझे तुम पर तरस आता था। 24 यह नहीं कि हम विश्वास के विषय में तुम पर प्रभुता जताना चाहते हैं, परंतु तुम्हारे आनंद में सहायक हैं क्योंकि तुम विश्वास ही से स्थिर रहते हो। अध्याय 2। 1 मैंने अपने मन में यही ठान लिया था कि फिर तुम्हारे पास उदास करने ना आऊं। 2 क्योंकि यदि मैं तुम्हें उदास करूं तो मुझे आनंद देने वाला कौन होगा, केवल वही जिसको मैंने उदास किया। 3 और मैंने यही बात तुम्हें इसलिए लिखी कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे आने पर जिनसे मुझे आनंद मिलना चाहिए मैं उनसे उदास हों, क्योंकि मुझे तुम सब पर इस बात का भरोसा है कि जो मेरा आनंद है वही तुम सबका भी है। 4 बड़े क्लेश और मन के कष्ट से मैंने बहुत से आंसू बहा बहा कर तुम्हें लिखा था, इसलिए नहीं कि तुम उदास हो परंतु इसलिए कि तुम उस बड़े प्रेम को जान लो जो मुझे तुमसे है। अपराधी को क्षमा। 5 यदि किसी ने उदास किया है तो मुझे ही नहीं वरन कि उसके साथ बहुत कड़ाई न करूँ कुछ कुछ तुम सबको भी उदास किया है। 6 ऐसे जन के लिए ये दंड जो भाइयों में से बहुतों ने दिया बहुत है। 7 इसलिए इससे भला यह है कि उसका अपराध क्षमा करो और शांति दो, न हो कि ऐसा मनुष्य बहुत उदासी में डूब जाए।
8 इस कारण मैं तुमसे विनती करता हूं कि उसको अपने प्रेम का प्रमाण दो। 9 क्योंकि मैंने इसलिए भी लिखा था कि तुम्हें परख लूं कि तुम मेरी सब बातों के मानने के लिए तैयार हो कि नहीं। 10 जिसका तुम कुछ क्षमा करते हो उसे मैं भी क्षमा करता हूं, क्योंकि मैंने भी जो कुछ क्षमा किया है यदि किया हो तो तुम्हारे कारण मसीह की जगह में होकर क्षमा किया है। 11 की शैतान का हम पर दांव न चले क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। त्रोआस में पौलुस की व्याकुलता। 12 जब मैं मसीह का सुसमाचार सुनाने को त्रोआस आया और प्रभु ने मेरे लिए एक द्वार खोल दिया। 13 तो मेरे मन में चैन न मिला इसलिए कि मैंने अपने भाई तीतुस को नहीं पाया, इसलिए उनसे विदा होकर मैं मकेदुनिया को चला गया। मसीह में विजय उत्सव। 14 परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हम को जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। 15 क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध हैं। 16 कुछ के लिए तो मरने के निमित्त मृत्यु की गंध और कितनों के लिए जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध। भला इन बातों के योग्य कौन है। 17 क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु मन की सच्चाई से और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं। अध्याय 3 नई वाचा के सेवक। 1 क्या हम फिर अपनी बढ़ाई करने लगे या हमें अन्य लोगों के समान सिफारिश की पत्रियां तुम्हारे पास लानी या तुमसे लेनी है। 2 हमारी पत्री तुम ही हो जो हमारे हृदयों पर लिखी हुई है और उसे सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। 3 ये प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो जिसको हमने सेवकों के समान लिखा और जो स्याही से नहीं परंतु जीवते परमेश्वर के आत्मा से पत्थर की पट्टियों पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखी है। 4 हम मसीह के द्वारा परमेश्वर पर ऐसा ही भरोसा रखते हैं। 5 यह नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य हैं कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सकें, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। 6 जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। 7 यदि मृत्यु की वह वाचा जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे यहां तक तेजो में हुई कि मूसा के मुंह पर के तेज के कारण जो घटता भी जाता था इसराइली उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे, 8 तो आत्मा की वाचा और भी तेजो में क्यों ना होगी। 9 क्योंकि जब दोषी ठहराने वाली वाचा तेजो में थी तो धर्मी ठहराने वाली वाचा और भी तेजो में क्यों ना होगी। 10 और जो तेजो में था वह भी उस तेज के कारण जो उससे बढ़कर तेजो में था कुछ तेजो में न ठहरा। 11 क्योंकि जब वह जो घटता जाता था तेजो में था तो वह जो स्थिर रहेगा और भी तेजो में क्यों न होगा। 12 इसलिए ऐसी आशा रखकर हम हियाव के साथ बोलते हैं, 13 और मूसा के समान नहीं जिसने अपने मुंह पर पर्दा डाला था ताकि इसराइली उस घटने वाले तेज के अंत को न देखें। 14 परंतु वे मतिमंद हो गए क्योंकि आज तक पुराना नियम पढ़ते समय उनके हृदयों पर वही पर्दा पड़ा रहता है पर वह मसीह में उठ जाता है। 15 आज तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है तो उनके हृदय पर पर्दा पड़ा रहता है। 16 परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तब वह पर्दा उठ जाएगा। 17 प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। 18 परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंशांश करके बदलते जाते हैं। अध्याय 4 मिट्टी के पात्रों में धन। 1 इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई कि हमें ये सेवा मिली तो हम हियाव नहीं छोड़ते। 2 परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया और न चतुराई से चलते और न परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं परंतु सत्य को प्रकट करके परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बैठाते हैं। 3 परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो यह नष्ट होने वालों ही के लिए पड़ा है। 4 और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजो में सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। 5 क्योंकि हम अपने को नहीं परंतु मसीह यीशु को प्रचार करते हैं कि वह प्रभु है और अपने विषय में ये कहते हैं कि हम यीशु के कारण तुम्हारे सेवक हैं। 6 इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। 7 परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ्य हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। 8 हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो हैं
पर निराश नहीं होते, नौ सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। दस हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। ग्यारह क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारे मरनहार शरीर में प्रकट हो। बारह इस प्रकार मृत्यु तो हम पर प्रभाव डालती है और जीवन तुम पर। तेरह इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला, अतः हम भी विश्वास करते हैं इसीलिए बोलते हैं। चौदह क्योंकि हम जानते हैं कि जिसने प्रभु यीशु को जिलाया वही हमें भी यीशु में भागी जानकर जिलाएगा और तुम्हारे साथ अपने सामने उपस्थित करेगा। पंद्रह क्योंकि सब वस्तुएं तुम्हारे लिए हैं ताकि अनुग्रह बहुतों के द्वारा अधिक होकर परमेश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद भी बढ़ाए। सोलह इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। सत्रह क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। अठारह और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। अध्याय पांच हमारा स्वर्गीय घर। एक क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थाई है। दो इसमें तो हम कराहते और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन ले। तीन की इसके पहनने से हम नंगे ना पाए जाएं। चार और हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कराहते रहते हैं क्योंकि हम उतारना नहीं वरन और पहनना चाहते हैं ताकि वह जो मरनहार है जीवन में डूब जाए। पांच जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया है वह परमेश्वर है जिसने हमें बयाने में आत्मा भी दिया है। छह अतः हम सदा ढाढ़स बांधे रहते हैं और यह जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग हैं। सात क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। आठ इसलिए हम ढाढ़स बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। नाइन इस कारण हमारे मन की उमंग यह है कि चाहे साथ रहें चाहे अलग रहें पर हम उसे भाते रहें। दस क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हों पाए। परमेश्वर से मेल मिलाप। ग्यारह इसलिए प्रभु का भय मानकर हम लोगों को समझाते हैं परंतु परमेश्वर पर हमारा हाल प्रकट है और मेरी आशा यह है कि तुम्हारे विवेक पर भी प्रकट हुआ होगा। बारह हम फिर भी अपनी बड़ाई तुम्हारे सामने नहीं करते वरन हम अपने विषय में तुम्हें घमंड करने का अवसर देते हैं कि तुम उन्हें उत्तर दे सको जो मन पर नहीं वरन दिखावटी बातों पर घमंड करते हैं। तेरह यदि हम बेसुध हैं तो परमेश्वर के लिए और यदि चैतन्य हैं तो तुम्हारे लिए हैं। चौदह क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है इसलिए कि हम ये समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए। पंद्रह और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित हैं वे आगे को अपने लिए न जिए परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। मसीह में नई सृष्टि। सोलह अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार न समझेंगे। यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। सत्रह इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। अठारह ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। 19 अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। 20 इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। 21 जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। अध्याय 6 एक हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं ये भी समझाते हैं कि उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ उसे व्यर्थ न जाने दो। दो क्योंकि वह तो कहता है अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। देखो अभी वह प्रसन्नता का समय है, देखो अभी वह उद्धार का दिन है। तीन हम किसी बात में ठोकर खाने का कोई भी अवसर नहीं देते ताकि हमारी सेवा पर कोई दोष न आए।
4 परंतु हर बात से परमेश्वर के सेवकों के समान अपने सद्गुणों को प्रकट करते हैं, बड़े धैर्य से, क्लेशों से, दरिद्रता से, संकटों से, 5 कोड़े खाने से, कैद होने से, हुल्लड़ों से, परिश्रम से, जागते रहने से, उपवास करने से, 6 पवित्रता से, ज्ञान से, धीरज से, कृपालुता से, पवित्र आत्मा से, 7 सच्चे प्रेम से, सत्य के वचन से, परमेश्वर की सामर्थ्य से, धार्मिकता के हथियारों से जो दाहिने बाएं हाथों में हैं, 8 आदर और निरादर से, दुर्नाम और सुनाम से। यद्यपि भरमाने वालों जैसे मालूम होते हैं तो भी सच्चे हैं, 9 अनजानों के सदृश हैं तो भी प्रसिद्ध हैं, मरते हुओं के समान हैं और देखो जीवित हैं, मार खाने वालों के सदृश हैं परंतु प्राण से मारे नहीं जाते, 10 शोक करने वालों के समान हैं परंतु सर्वदा आनंद करते हैं, कंगालों के समान हैं परंतु बहुतों को धनवान बना देते हैं, ऐसे हैं जैसे हमारे पास कुछ नहीं तो भी सब कुछ रखते हैं। 11 हे कुरिथियो, हमने खुलकर तुमसे बातें की हैं, हमारा हृदय तुम्हारी ओर खुला हुआ है। 12 तुम्हारे लिए हमारे मन में कोई संकोच नहीं, पर तुम्हारे ही मनों में संकोच है। 13 पर अपने बच्चे जानकर तुमसे कहता हूँ कि तुम भी उसके बदले में अपना हृदय खोल दो, असमान जुए में न जुतो। 14 अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। 15 और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता। 16 और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं, जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर हूंगा और वे मेरे लोग होंगे। 17 इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। 18 और मैं तुम्हारा पिता हूंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होगे। ये सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। अध्याय 7। एकता हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। पौलुस का आनंद। 2 हमें अपने हृदय में जगह दो। हमने न किसी के साथ अन्याय किया, न किसी को बिगाड़ा और न किसी को ठगा। 3 मैं तुम्हें दोषी ठहराने के लिए यह नहीं कहता, क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूं कि तुम हमारे हृदय में ऐसे बस गए हो कि हम तुम्हारे साथ मरने जीने के लिए तैयार हैं। 4 मैं तुमसे बहुत हियाव के साथ बोल रहा हूं, मुझे तुम पर बड़ा घमंड है, मैं शांति से भर गया हूं। अपने सारे क्लेश में मैं आनंद से अति भरपूर रहता हूं। 5 क्योंकि जब हम मकेदुनिया में आए तब भी हमारे शरीर को चैन नहीं मिला, परंतु हम चारों ओर से क्लेश पाते थे, बाहर लड़ाइयां थी, भीतर भयंकर बातें थीं। 6 तो भी दीनों को शांति देने वाले परमेश्वर ने तीतुस के आने से हमको शांति दी। 7 और न केवल उसके आने से परंतु उसकी उस शांति से भी जो उसको तुम्हारी ओर से मिली थी। उसने तुम्हारी लालसा, तुम्हारे दुख और मेरे लिए तुम्हारी धुन का समाचार हमें सुनाया, जिससे मुझे और भी आनंद हुआ। 8 क्योंकि यद्यपि मैंने अपनी पत्री से तुम्हें शोकित किया, परंतु उससे पछताता नहीं जैसा कि पहले पछताता था, क्योंकि मैं देखता हूं कि उस पत्री से तुम्हें शोक तो हुआ परंतु वह थोड़ी देर के लिए था। 9 अब मैं आनंदित हूं, पर इसलिए नहीं कि तुमको शोक पहुंचा, वरन इसलिए कि तुमने उस शोक के कारण मन फिराया, क्योंकि तुम्हारा शोक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार था कि हमारी ओर से तुम्हें किसी बात में हानि न पहुंचे। 10 क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता, परंतु सांसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। 11 अतः देखो इसी बात से कि तुम्हें परमेश्वर भक्ति का शोक हुआ तुम में कितना उत्साह और प्रत्युत्तर और रिस और भय और लालसा और धुन और दंड देने का विचार उत्पन्न हुआ। तुमने सब प्रकार से यह सिद्ध कर दिखाया कि तुम इस बात में निर्दोष हो। 12 फिर मैंने जो तुम्हारे पास लिखा था वह न तो उसके कारण लिखा जिसने अन्याय किया और न उसके कारण जिस पर अन्याय किया गया, परंतु इसलिए कि तुम्हारा उत्साह जो हमारे लिए है वह परमेश्वर के सामने तुम पर प्रकट हो जाए। 13 इसलिए हमें शांति मिली। हमारी इस शांति के साथ तीतुस के आनंद के कारण और भी आनंद हुआ, क्योंकि उसका जी तुम सबके कारण हरा भरा हो गया है। 14 क्योंकि यदि मैंने उसके सामने तुम्हारे विषय में कुछ घमंड दिखाया तो लज्जित नहीं हुआ, परंतु जैसे हमने तुमसे सब बातें सच सच कह दी थी वैसे ही हमारा घमंड दिखाना तीतुस के सामने भी सच निकला। 15 जब उसको तुम सब के आज्ञाकारी होने का स्मरण आता है कि कैसे तुमने डरते और कांपते हुए उससे भेंट की, तो उसका प्रेम तुम्हारी ओर और भी बढ़ता जाता है। 16 मैं आनंदित हूँ क्योंकि मुझे हर बात में तुम पर पूरा भरोसा है।
अध्याय 8 उदारतापूर्वक दान देना। एक अब हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं जो मकिदुनिया की कलीसियाओं पर हुआ है। दो की क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। तीन उनके विषय में मेरी यह गवाही है कि उन्होंने अपनी सामर्थ्य भर वरन सामर्थ्य से भी बाहर मन से दिया। चार और इस दान में और पवित्र लोगों की सेवा में भागी होने के अनुग्रह के विषय में हमसे बार बार बहुत विनती की। पांच और जैसी हमने आशा की थी वैसी ही नहीं वरन उन्होंने प्रभु को फिर परमेश्वर की इच्छा से हमको भी अपने आप को दे दिया। छह इसलिए हमने तीतुस को समझाया कि जैसा उसने पहले आरंभ किया था वैसा ही तुम्हारे बीच में इस दान के काम को पूरा भी कर ले। सात इसलिए जैसे तुम हर बात में अर्थात विश्वास वचन ज्ञान और सब प्रकार के यत्न में और उस प्रेम में जो हमसे रखते हो बढ़ते जाते हो वैसे ही इस दान के काम में भी बढ़ते जाओ। आठ में आज्ञा की रीति पर तो नहीं परंतु दूसरों के उत्साह से तुम्हारे प्रेम की सच्चाई को परखने के लिए कहता हूँ। नाइन तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। दस इस बात में मेरी सलाह यही है ये तुम्हारे लिए अच्छा है जो एक वर्ष से न तो केवल इस काम को करने ही में परंतु इस बात के चाहने में भी प्रथम हुए थे। 11 इसलिए अब ये काम पूरा करो कि जैसा इच्छा करने में तुम तैयार थे वैसा ही अपनी अपनी पूंजी के अनुसार पूरा भी करो। 12 क्योंकि यदि मन की तैयारी हो तो दान उसके अनुसार ग्रहण भी होता है जो उसके पास है न कि उसके अनुसार जो उसके पास नहीं। 13 ये नहीं कि दूसरों को चैन और तुमको क्लेश मिले। 14 परंतु बराबरी के विचार से इस समय तुम्हारी बढ़ती उनकी घटी में काम आए ताकि उनकी बढ़ती भी तुम्हारी घटी में काम आए की बराबरी हो जाए। 15 जैसा लिखा है जिसने बहुत बटोरा उसका कुछ अधिक न निकला और जिसने थोड़ा बटोरा उसका कुछ कम न निकला। तीतुस और उसके सहकर्मी। 16 परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसने तुम्हारे लिए वही उत्साह तीतुस के हृदय में डाल दिया है। 17 कि उसने हमारा समझाना मान लिया वरन बहुत उत्साही होकर वह अपनी इच्छा से तुम्हारे पास गया है। 18 हमने उसके साथ उस भाई को भी भेजा है जिसका नाम सुसमाचार के विषय में सब कलिसिया में फैला हुआ है। 19 और इतना ही नहीं परंतु वह कलिसिया द्वारा ठहराया भी गया कि इस दान के काम के लिए हमारे साथ जाए। हम ये सेवा इसलिए करते हैं कि प्रभु की महिमा और हमारे मन की तैयारी प्रकट हो जाए। 20 हम इस बात में चौकस रहते हैं कि इस उदारता के काम के विषय में जिसकी सेवा हम करते हैं कोई हम पर दोष न लगाने पाए। 21 क्योंकि जो बातें केवल प्रभु ही के निकट नहीं परंतु मनुष्यों के निकट भी भली हैं हम उनकी चिंता करते हैं। 22 हमने उसके साथ अपने भाई को भी भेजा है जिसको हमने बार बार परख के बहुत बातों में उत्साही पाया है परंतु अब तुम पर उसको बड़ा भरोसा है इस कारण वह और भी अधिक उत्साही है। 23 यदि कोई तीतुस के विषय में पूछे तो वह मेरा साथी और तुम्हारे लिए मेरा सहकर्मी है और यदि हमारे भाइयों के विषय में पूछे तो वे कलीसियाओं के भेजे हुए और मसीह की महिमा हैं। 24 अतः अपना प्रेम और हमारा वह घमंड जो तुम्हारे विषय में है कलीसियाओं के सामने सिद्ध करके उन्हें दिखाओ। अध्याय 9 साथी मसीहियों के लिए सहायता। एक अब उस सेवा के विषय में जो पवित्र लोगों के लिए की जाती है मुझे तुमको लिखना आवश्यक नहीं। 2 क्योंकि मैं तुम्हारे मन की तैयारी को जानता हूँ जिसके कारण मैं तुम्हारे विषय में मकिदुनिया वासियों के सामने घमंड दिखाता हूँ कि अखया के लोग एक वर्ष से तैयार हुए हैं और तुम्हारे उत्साह ने और बहुतों को भी उभारा है। 3 परंतु मैंने भाइयों को इसलिए भेजा है कि हमने जो घमंड तुम्हारे विषय में दिखाया वह इस बात में व्यर्थ न ठहरे परंतु जैसा मैंने कहा वैसे ही तुम तैयार रहो। 4 ऐसा न हो कि यदि कोई मकिदुनियावासी मेरे साथ आए और तुम्हें तैयार न पाए तो हो सकता है कि इस भरोसे के कारण हम यह नहीं कहते कि तुम लज्जित हो। 5 इसलिए मैंने भाइयों से यह विनती करना आवश्यक समझा कि वे पहले से तुम्हारे पास जाएं और तुम्हारी उदारता का फल जिसके विषय में पहले से वचन दिया गया था तैयार कर रखें कि ये दबाव से नहीं परंतु उदारता के फल के समान तैयार हो। दान कैसे दें। 6 परंतु बात यह है जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। 7 हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे न कुड़कुड़ के और न दबाव से क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। 8 परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। 9 जैसा लिखा है उसने बिखेरा उसने कंगालों को दान दिया उसका धर्म सदा बना रहेगा।
10 अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। 11 तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करवाती है, धनवान किए जाओ। 12 क्योंकि इस सेवा के पूरा करने से न केवल पवित्र लोगों की आवश्यकताएं पूरी होती हैं, परंतु लोगों की ओर से परमेश्वर का भी बहुत धन्यवाद होता है। 13 क्योंकि इस सेवा को प्रमाण स्वीकार कर वे परमेश्वर की महिमा प्रकट करते हैं कि तुम मसीह के सुसमाचार को मानकर उसके अधीन रहते हो और उनकी और सबकी सहायता करने में उदारता प्रकट करते रहते हो। 14 और वे तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं और इसलिए कि तुम पर परमेश्वर का बड़ा ही अनुग्रह है, तुम्हारी लालसा करते रहते हैं। 15 परमेश्वर का उसके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है धन्यवाद हो। अध्याय 10 पौलुस का अधिकार। 1 मैं वही पौलुस जो तुम्हारे सामने दीन हूँ, परंतु पीठ पीछे तुम्हारी ओर साहस करता हूँ, तुमको मसीह की नम्रता और कोमलता के कारण समझाता हूँ। 2 मैं यह विनती करता हूँ कि तुम्हारे सामने मुझे निर्भय होकर साहस करना न पड़े, जैसा मैं कुछ लोगों पर जो हमको शरीर के अनुसार चलने वाले समझते हैं साहस दिखाने का विचार करता हूँ। 3 क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। 4 क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, पर गधों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। 5 इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। 6 और तैयार रहते हैं कि जब तुम्हारा आज्ञा पालन पूरा हो जाए तो हर एक प्रकार के आज्ञा उल्लंघन को दंडित करें। 7 तुम उन्हीं बातों को देखो जो आंखों के सामने हैं। यदि किसी को अपने पर यह भरोसा हो कि मैं मसीह का हूँ, तो वह ये भी जान ले कि जैसा वह मसीह का है वैसे ही हम भी हैं। 8 क्योंकि यदि मैं उस अधिकार के विषय में और भी घमंड दिखाऊं जो प्रभु ने तुम्हारे बिगाड़ने के लिए नहीं पर बनाने के लिए हमें दिया है, तो लज्जित न होऊंगा। 9 यह मैं इसलिए कहता हूं कि पत्रियों के द्वारा तुम्हें डराने वाला न ठहरूं। 10 क्योंकि वे कहते हैं उसकी पत्रियां तो गंभीर और प्रभावशाली हैं, परंतु जब वह सामने होता है तो वह देह का निर्बल और वक्तव्य में हल्का जान पड़ता है। 11 जो ऐसा कहता है वह ये समझ रखे कि जैसे पीठ पीछे पत्रियों में हमारे वचन हैं, वैसे ही तुम्हारे सामने हमारे काम भी होंगे। 12 क्योंकि हमें ये साहस नहीं कि हम अपने आप को उनमें से ऐसे कुछ के साथ गिने या उनसे अपने को मिलाएं जो अपनी प्रशंसा आप करते हैं और अपने आप को आपस में नाप तौल कर एक दूसरे से मिलान करके मूर्ख ठहरते हैं। 13 हम तो सीमा से बाहर घमंड कदापि न करेंगे, परंतु उसी सीमा तक जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहरा दी है और उसमें तुम भी आ गए हो, और उसी के अनुसार घमंड भी करेंगे। 14 क्योंकि हम अपनी सीमा से बाहर अपने आप को बढ़ाना नहीं चाहते, जैसे कि तुम तक न पहुंचने की दशा में होता, वरन मसीह का सुसमाचार सुनाते हुए तुम तक पहुँच चुके हैं। 15 हम सीमा से बाहर दूसरों के परिश्रम पर घमंड नहीं करते, परंतु हमें आशा है कि ज्यों ज्यों तुम्हारा विश्वास बढ़ता जाएगा त्यों त्यों हम अपनी सीमा के अनुसार तुम्हारे कारण और भी बढ़ते जाएंगे। 16 ताकि हम तुम्हारी सीमा से आगे बढ़कर सुसमाचार सुनाएं, और यह नहीं कि हम दूसरों की सीमा के भीतर बने बनाए कामों पर घमंड करें। 17 परंतु जो घमंड करे वह प्रभु पर घमंड करे। 18 क्योंकि जो अपनी बढ़ाई करता है वह नहीं, परंतु जिसकी बढ़ाई प्रभु करता है वही ग्रहण किया जाता है। अध्याय 11 पौलुस और झूठे प्रेरित। 1 यदि तुम मेरी थोड़ी सी मूर्खता सह लेते तो क्या ही भला होता, हाँ मेरी सह भी लो। 2 क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। 3 परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाएं। 4 यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले न मिला था, या और कोई सुसमाचार सुनाए जिसे तुमने पहले न माना था, तो तुम उसे सह लेते हो। 5 मैं तो समझता हूँ कि मैं किसी बात में बड़े से बड़े प्रेरितों से कम नहीं हूँ। 6 यदि मैं वक्तव्य में अनाड़ी हूँ तो भी ज्ञान में नहीं। हमने इसको हर बात में सब प्रकार से तुम्हारे लिए प्रकट किया है। 7 क्या इसमें मैंने कुछ पाप किया कि मैंने तुम्हें परमेश्वर का सुसमाचार सिंतमिंत सुनाया और अपने आप को नीचा किया कि तुम ऊँचे हो जाओ। 8 मैंने अन्य कलीसियाओं को लूटा, अर्थात मैंने उनसे मजदूरी ली ताकि तुम्हारी सेवा करूँ।
9 और जब मैं तुम्हारे साथ था और मुझे घटी हुई, तो मैंने किसी पर भार नहीं डाला, क्योंकि भाइयों ने मकेदुनिया से आकर मेरी घटी को पूरा किया, और मैंने हर बात में अपने आप को तुम पर भार बनने से रोका, और रोके रहूंगा। 10 यदि मसीह की सच्चाई मुझ में है तो अखया देश में कोई मुझे इस घमंड से न रोकेगा। 11 क्यों? क्या इसलिए कि मैं तुमसे प्रेम नहीं रखता? परमेश्वर यह जानता है कि मैं प्रेम रखता हूँ। 12 परंतु जो मैं करता हूँ वही करता रहूंगा कि जो लोग दांव ढूंढते हैं उन्हें मैं दांव पाने न दूं, ताकि जिस बात में वे घमंड करते हैं उसमें वे हमारे ही समान ठहरें। 13 क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। 14 ये कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। 15 इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धरें तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। प्रेरित के रूप में पौलुस का दुख भोग। 16 मैं फिर कहता हूँ, कोई मुझे मूर्ख न समझे, नहीं तो मूर्ख ही समझकर मेरी सहलो, ताकि थोड़ा सा मैं भी घमंड कर सकूं। 17 इस बेधड़क घमंड में जो कुछ मैं कहता हूँ वह प्रभु की आज्ञा के अनुसार नहीं पर मानो मूर्खता से ही कहता हूँ। 18 जबकि बहुत से लोग शरीर के अनुसार घमंड करते हैं तो मैं भी घमंड करूंगा। 19 तुम तो समझदार होकर आनंद से मूर्खों की सह लेते हो। 20 क्योंकि जब तुम्हें कोई दास बना लेता है या खा जाता है या फंसा लेता है या अपने आप को बड़ा बनाता है या तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ मारता है तो तुम सह लेते हो। 21 मेरा कहना अनादर ही की रीति पर है, मानो हम इसके लिए निर्बल से थे। परंतु जिस किसी बात में कोई साहस करता है मैं मूर्खता से कहता हूँ तो मैं भी साहस करता हूँ। 22 क्या वे ही इब्रानी हैं? मैं भी हूँ। क्या वे ही इसराइली हैं? मैं भी हूँ। क्या वे ही अब्राहम के वंश हैं? मैं भी हूँ। 23 क्या वे ही मसीह के सेवक हैं? मैं पागल के समान कहता हूँ मैं उनसे बढ़कर हूँ। अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिमों में। 24 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। 25 3 बार मैंने बेंतें खाई, एक बार मुझ पर पथराव किया गया, 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गए, एक रात दिन मैंने समुद्र में काटा। 26 मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वालों से जोखिमों में, अन्य जातियों से जोखिमों में, नगरों के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में रहा। 27 परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में, उघाड़े रहने में, 28 और अन्य बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। 29 किसकी निर्बलता से मैं निर्बल नहीं होता, किसके ठोकर खाने से मेरा जी नहीं दुखता। 30 यदि घमंड करना अवश्य है तो मैं अपनी निर्बलता की बातों पर घमंड करूंगा। 31 प्रभु यीशु का परमेश्वर और पिता जो सदा धन्य है जानता है कि मैं झूठ नहीं बोलता। 32 दमिश्क में अरितास राजा की ओर से जो हाकिम था उसने मुझे पकड़ने को दमिश्कियों के नगर पर पहरा बैठा रखा था। 33 और मैं टोकरे में खिड़की से होकर शहर पनाह पर से उतारा गया और उसके हाथ से बच निकला। अध्याय 12 पौलुस का दिव्य दर्शन और दुर्बलता। एक यद्यपि घमंड करना मेरे लिए ठीक नहीं तो भी करना पड़ता है, इसलिए मैं प्रभु के दिए हुए दर्शनों और प्रकाशनों की चर्चा करूंगा। 2 मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूँ, 14 वर्ष हुए कि न जाने देह हित परमेश्वर जानता है, ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। 3 मैं ऐसे मनुष्य को जानता हूँ न जाने देह हित परमेश्वर ही जानता है, 4 की स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया और ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं और जिनका मुंह पर लाना मनुष्य को उचित नहीं। 5 ऐसे मनुष्य पर तो मैं घमंड करूंगा, परंतु अपने पर अपनी निर्बलताओं को छोड़ अपने विषय में घमंड न करूंगा। 6 क्योंकि यदि मैं घमंड करना चाहूं भी तो मूर्ख न होऊंगा, क्योंकि सच बोलूंगा तो भी रुक जाता हूं, ऐसा ना हो कि जैसा कोई मुझे देखता है या मुझसे सुनता है मुझे उससे बढ़कर समझे। 7 इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया अर्थात शैतान का एक दूत की मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। 8 इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे ये दूर हो जाए। 9 पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती रहे।
10 इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। कुरिथियों के लिए पौलुस की चिंता। 11 मैं मूर्ख तो बना, परंतु तुम ही ने मुझे ये करने के लिए विवश किया। तुम्हें तो मेरी प्रशंसा करनी चाहिए थी, क्योंकि यद्यपि मैं कुछ भी नहीं तो भी उन बड़े से बड़े प्रेरितों से किसी बात में कम नहीं हूँ। 12 प्रेरित के लक्षण भी तुम्हारे बीच सब प्रकार के धीरज सहित चिन्हों और अद्भुत कामों और सामर्थ्य के कामों से दिखाए गए। 13 तुम कौन सी बात में दूसरी कलीसियाओं से कम थे, केवल इसमें कि मैंने तुम पर अपना भार न डाला। मेरा यह अन्याय क्षमा करो। 14 देखो, मैं तीसरी बार तुम्हारे पास आने को तैयार हूँ, और मैं तुम पर कोई भार न रखूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारी संपत्ति नहीं वरन तुम ही को चाहता हूँ। क्योंकि बच्चों को माता पिता के लिए धन बटोरना नहीं चाहिए, पर माता पिता को बच्चों के लिए। 15 मैं तुम्हारी आत्माओं के लिए बहुत आनंद से खर्च करूंगा, वरन आप भी खर्च हो जाऊंगा। क्या जितना बढ़कर मैं तुमसे प्रेम रखता हूँ उतना ही घटकर तुम मुझसे प्रेम रखोगे। 16 ऐसा हो सकता है कि मैंने तुम पर बोझ नहीं डाला, परंतु चतुराई से तुम्हें धोखा देकर फंसा लिया। 17 भला, जिन्हें मैंने तुम्हारे पास भेजा, क्या उनमें से किसी के द्वारा मैंने छल करके तुमसे कुछ ले लिया? 18 मैंने तीतुस को समझाकर उसके साथ उस भाई को भेजा, तो क्या तीतुस ने छल करके तुमसे कुछ लिया? क्या हम एक ही आत्मा के चलाए न चले? क्या एक ही लीक पर न चले? 19 तुम अभी तक समझ रहे होगे कि हम तुम्हारे सामने प्रत्युत्तर दे रहे हैं। हम तो परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं, और हे प्रियो, सब बातें तुम्हारी उन्नति ही के लिए कहते हैं। 20 क्योंकि मुझे डर है, कहीं ऐसा न हो कि मैं आकर जैसा चाहता हूँ वैसा तुम्हें न पाऊं, और मुझे भी जैसा तुम नहीं चाहते वैसा ही पाओ, और तुम में झगड़ा, डाह, क्रोध, विरोध, ईर्ष्या, चुगली, अभिमान और बखेड़े हों। 21 और कहीं ऐसा न हो कि मेरा परमेश्वर मेरे फिर से तुम्हारे यहाँ आने पर मुझ पर दबाव डाले और मुझे बहुतों के लिए फिर शोक करना पड़े, जिन्होंने पहले पाप किया था और गंदे काम और व्यभिचार और लुचपन से जो उन्होंने किया मन नहीं फिराया। 13 अंतिम चेतावनी। 1 अब तीसरी बार मैं तुम्हारे पास आता हूँ, 2 या 3 गवाहों के मुँह से हर एक बात ठहराई जाएगी। 2 जैसे मैं जब दूसरी बार तुम्हारे साथ था वैसे ही अब दूर रहते हुए उन लोगों से जिन्होंने पहले पाप किया और अन्य सब लोगों से अब पहले से कहे देता हूँ कि यदि मैं फिर आऊँगा तो नहीं छोड़ूंगा। 3 क्योंकि तुम तो इसका प्रमाण चाहते हो कि मसीह मुझ में बोलता है, जो तुम्हारे लिए निर्बल नहीं परंतु तुम में सामर्थी है। 4 वह निर्बलता के कारण क्रूस पर चढ़ाया तो गया, तो भी परमेश्वर की सामर्थ्य से जीवित है। हम भी उसमें निर्बल हैं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य से जो तुम्हारे लिए है उसके साथ जिएंगे। 5 अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। 6 पर मेरी आशा है कि तुम जान लोगे कि हम निकम्मे नहीं। 7 हम अपने परमेश्वर से यह प्रार्थना करते हैं कि तुम कोई बुराई न करो, इसलिए नहीं कि हम खरे दीख पड़ें, पर इसलिए कि तुम भलाई करो, चाहे हम निकम्मे ही ठहरें। 8 क्योंकि हम सत्य के विरोध में कुछ नहीं कर सकते, पर सत्य के लिए ही कर सकते हैं। 9 जब हम निर्बल हैं और तुम बलवंत हो तो हम आनंदित होते हैं और यह प्रार्थना भी करते हैं कि तुम सिद्ध हो जाओ। 10 इस कारण मैं तुम्हारे पीठ पीछे ये बातें लिखता हूँ कि उपस्थित होकर मुझे उस अधिकार के अनुसार जिसे प्रभु ने बिगाड़ने के लिए नहीं पर बनाने के लिए मुझे दिया है कड़ाई से कुछ करना ना पड़े। अभिवादन। 11 अतः हे भाइयों, आनंदित रहो, सिद्ध बनते जाओ, धाधज रखो, एक ही मन रखो, मेल से रहो, और प्रेम और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा। 12 एक दूसरे को पवित्र चुंबन से नमस्कार करो। 13 सब पवित्र लोग तुम्हें नमस्कार कहते हैं। 14 प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे।